नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नज़र सुर्खियों पर। आज है स्वतंत्रता दिवस, बिहार की राजधानी में होंगे ये खास आयोजन। बुनियादी संजीवनी सेवा के तहत इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं बिहारवासी। जातीय गणना पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। नाम लिखाकर गायब हुए विद्यार्थियों का रद्द होगा नामांकन। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी नई जानकारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। माझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 531 पदों पर भर्ती। भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक माझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी किया है, जिसके अनुसार एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, कारपेंटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, गैस कटर, पेंटर, स्टोर कीपर व अन्य ट्रेड में स्किल्ड मैन पावर के साथ साथ सेमी स्किल्ड और स्पेशल ग्रेड में कुल 531 पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mazagondoc.in पर करियर सेक्शन एक्टिव लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को अधिसूचना के अनुसार स्किल्ड पदों के लिए रिक्तियों से संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए और संबंधित कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। आज है स्वतंत्रता दिवस, बिहार की राजधानी में होंगे ये खास आयोजन। 15 अगस्त यानी कि आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में आज के दिन इस अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान गांधी मैदान में बिहार सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से कई झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटती है। बता दें कि इस बार गांधी मैदान में कुल 12 झांकियां दिखाई जाने वाली है, जिनमें पर्यटन निदेशालय की ओर से अवमान झील तथा वाटर स्पोर्ट्स की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी, जिनमें महिला एवं बाल विकास निगम, कृषि निदेशालय, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, जीविका, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग शामिल है। वहीं इसके अलावा आज परेड भी की जाएगी, जिनमें CRPF, SSB, STF, BSAP, पुरुष और महिला, जिला सशस्त्र बल, पुरुष और महिला, होमगार्ड शहरी, होमगार्ड ग्रामीण, NCC, बॉयज और गर्ल्स NCC, नेवी, स्काउट्स एंड गाइड, बॉयज और गर्ल्स सवान दस्ता और फायर ब्रिगेड शामिल होंगे। बता दें कि आज गांधी मैदान में लोगों को अलग अलग गेट से एंट्री दी जाएगी, जिनमें गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आगमन होगा तो वहीं गेट नंबर 10 से विशिष्ट अतिथियों का प्रवेश होगा। इसके अलावा मीडिया के लोग गेट नंबर 9 से प्रवेश करेंगे और आम लोग गेट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 से गांधी मैदान में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गांधी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जय गान को लक्ष्य बनाकर बेनीपुरी जी ने ललित, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ट्स, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गतिविधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे और इन्होंने कई समाचार पत्र जैसे युवक आदि भी निकाले। इसके अलावा ये कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी 44 फरियादें।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता के दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 44 फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश के सामने एक फरियादी कटिहार से पहुंचा, जिसने अपनी शिकायत में सीएम नीतीश को बताया कि उसके पिताजी कर्मचारी थे और उनका निधन वर्ष 2017 में हुआ, लेकिन अब तक अनुकंपा पर न तो नौकरी मिली और न ही कोई सुविधा। वहीं सहरसा से आए एक फरियादी ने कहा कि हमारे यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना था, मगर अब तक इसकी स्थापना नहीं हो सकी है। शेखपुरा जिला से आए फरियादी ने सीएम नीतीश से आग्रह करते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से पिताजी के सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। मुंगेर जिले से आई एक युवती ने बताया कि मेरे पिताजी जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई थी। निधन के उपरांत न तो सेवांत लाभ दिया गया और न ही अनुकंपा पर नौकरी दी गई और न ही कोरोना से हुई मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुदान राशि दिए गए हैं। मुंगेर जिले से आए एक व्यक्ति ने बताया कि वह दिव्यांग है और उसे चलने फिरने में दिक्कत आती है, इसलिए उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे अपने कार्य करने में सुविधा हो सके। इसके साथ ही सीएम नीतीश के द्वारा कई अन्य शिकायतों को भी सुलझाया गया। कालाजार से बचाव के लिए दवा का छिड़काव 17 अगस्त 2023 से कालाजार से मुक्त हो चुके बिहार में इस तरह की स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य के 32 जिलों में दवाओं के छिड़काव की शुरुआत की जाने वाली है, जो कि अक्टूबर महीने तक चलने वाली है। बता दें कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 32 जिलों के 348 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 1940 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाली 2516 राजस्व गाँवों में हैंड कंप्रेशन पंप से दवा का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि लगभग 1,39,89,379 लोगों का कालाजार से बचाव होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में इस दवा का छिड़काव होने वाला है उसमें मुंगेर और नवादा दो ऐसे जिले हैं जहां मलेरिया और कालाजार दवा का छिड़काव साथ साथ चलेगा। बुनियादी संजीवनी सेवा के तहत इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं बिहारवासी। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा बुनियादी संजीवनी सेवा के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व 18 वर्ष से अधिक विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा देखभाल और सेवाओं के लिए सभी 101 अनुमंडलों में बुनियाद केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बुनियादी संजीवनी सेवा विशिष्ट वाहन के माध्यम से दूर दराज सुदूर क्षेत्रों ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लक्षित लाभार्थियों को सेवा देने के उद्देश्य से सभी 38 जिलों में संचालित किया जा रहा है। इसकी मदद से लोगों को फिजियोथेरेपी सेवाएं, वाक तथा श्रवण संबंधी जांच, आंखों की जांच, उचित निदान एवं हस्तक्षेप, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण संबंधी मार्गदर्शन, स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन और आवश्यक कानूनी एवं अन्य प्रकार के परामर्श जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। राज्य के स्कूलों के शौचालयों का रखरखाव करेगी एजेंसी। इन दिनों बिहार में शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत शिक्षा विभाग की ओर से जिला के अधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि स्कूल में मौजूद शौचालय तभी उपयोग के माने जाएंगे जब वह साफ होगा और वहां नल से जल की आपूर्ति होगी। ऐसे में इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से ऐसी 30,000 शौचालयों की सूची आई थी जिनमें मरम्मत की जरूरत थी। इसी को लेकर अब राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शौचालयों की मरम्मत और उसका रखरखाव निजी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, जिसके पहले चरण के तहत 30,000 शौचालयों के लिए अगले माह से इस व्यवस्था को लागू करने की योजना है। मालूम हो कि एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा निविदा जारी कर दी गई है। बता दें कि आगे के चरण में प्रारंभिक स्कूल में यह व्यवस्था की जा सकती है। जातीय गणना पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश देते हुए कहा गया कि इस मामले पर 18 अगस्त को सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अब सरकार के पास इसे और ज्यादा तेजी से कराने का मौका मिल गया है। वहीं 18 अगस्त को सुनवाई होने के बाद यह पता चलेगा कि कोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिलती है या जातीय गणना पर रोक लगती है। अब जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसी महीने आदेश देते हुए राज्य सरकार के जातीय सर्वे कराने के तर्क में अपना समर्थन दिया गया था, जिसके बाद से ही राज्य सरकार के द्वारा इससे जुड़े विशेष कार्यों को पूरा करने की शुरुआत कर दी गई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे बिहार के ये लोग। आज यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। ऐसे में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत 50 मनरेगा मजदूरों को निमंत्रित किया गया है।
ऐसे में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत 50 मनरेगा मजदूरों को निमंत्रित किया गया है जिन्होंने बेहतर काम किया है। बता दें कि इन 50 मनरेगा मजदूरों में 50 मजदूर परिवार बिहार के भी हैं जिनमें मोतिहारी के विश्वनाथ साह और सुमित्रा देवी जो पूर्वी चंपारण के सदर प्रखंड के राम सिंह छतौनी पंचायत के मनरेगा मजदूर है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के पड़िया निवासी उर्मिला देवी और बालेंद्र पासवान, किशनगंज के चकलाहाट निवासी उपेंद्र राम और कविता देवी, जमुई के इंदापे गांव के निवासी शत्रुधन मांझी और कपिला देवी और बक्सर के खनिता गांव के निवासी विश्वनाथ राम और उनकी पत्नी मीना देवी है। वहीं मधुबनी जिले के मंगड़ौनी के भोला कुमार परित का भी राज्य स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार व सफल उद्यमी के रूप में चयन किया गया है। ऐसे में आज ये सभी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कौशल विकास मिशन योजना के तहत बने रोजगार या स्वरोजगार। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा कौशल विकास मिशन योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों तथा किसानों को कृषि के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार रोजगार प्राप्त करने के लिए दक्षता प्रदान की जाती है। बता दें कि इसके तहत कुल 23 पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है जिनमें मशरूम उत्पादक, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादक, मधुमक्खी पालन, बीज उत्पादक, गार्डेनर, जैविक उत्पादक, फ्लोरिकल्चरिस्ट, कृषि यंत्र संचालन, मरम्मति एवं रखरखाव, माइक्रो इरिगेशन संयंत्र तकनीशियन आदि शामिल है जिनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर कॉल कर या निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे शहीद स्मारक के बारे में। शहीद स्मारक पटना शहर के पुराना सचिवालय के सामने स्थित है। स्मारक का निर्माण 7 युवा स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में किया गया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों के जाने माने अनुयायी डॉक्टर अनुग्रह नारायण को पटना में ब्रिटिश काल में तिरंगा फहराने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया के रूप में 7 छात्रों ने अपने दम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मार डाला। शहीद स्मारक की आधारशिला बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम ने 15 अगस्त 1947 को रखी थी। मूर्ति काष्ठ से बनी है और धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहने 7 छात्रों को प्रदर्शित करती है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी नई जानकारी। भारत की महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा नई जानकारी दी गई है। बता दें कि इसरो के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन कक्षा मृताकारीकरण चरण शुरू होता है। आज के गए सटीक युद्धाभ्यास ने 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर की निकट गोलाकार कक्षा हासिल की है। अगले ऑपरेशन की योजना 16 अगस्त 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23-24 अगस्त 2023 को इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा चंद्र की सतह पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की योजना तैयार की गई है। रजनी प्रिया को कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। बीते दिन सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की अनुमति दे दी गई है यानी कि फिलहाल वो पुलिस की रिमांड में है। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा रजनी प्रिया को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 21 अगस्त तक बेउर जेल में भेज दिया गया है। मालूम हो कि रजनी प्रिया पिछले 6 सालों से फरार चल रही थी जिसे सीबीआई के द्वारा गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। यह भागलपुर सृजन सहयोग समिति की संस्थापक स्वर्गीय मनोरमा देवी की बहू। ऐसे में सृजन के सचिव होने के नाते रजनी प्रिया 23 मामलों में आरोपी बनाई गई है। ऐसे में अब अगर वह 4 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में है तो उस दौरान उनसे कई जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाएगी। बिहार में मुर्गी फार्म से 15 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से कई कोशिश की जा रही है लेकिन इन मामलों में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा बल्कि शराब तस्करी के लिए और भी नए नए तरीके का इजाद कर रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला नालंदा के बिंद थाना इलाके के पटना बॉर्डर स्थित जमसारी गांव का है जहां उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मुर्गी फार्म में छापेमारी कर करीब 15 लाख की अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान अंधेरा का फायदा उठाकर आसपास रखवाली कर रहे धंधेबाज मौके से फरार हो गए जबकि मुर्गी फार्म के संचालक दीपक रंजन के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बिहार बोर्ड कोचिंग की 3 शिफ्ट में चलेगी कक्षाएं।
बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक उत्तीर्ण मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी कक्षाएं 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि इसे कक्षा ए बी और सी में बांटा गया है, जिसमें से कक्षा ए की शुरुआत सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और फिर 10 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी। वहीं कक्षा बी दोपहर 12:30 बजे से 2:15 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कक्षा सी की कक्षा शाम 5 बजे से 6:45 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 8:45 बजे तक कक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हर कक्षा 3 घंटे 45 मिनट की होगी। वहीं इस बारे में बोर्ड के द्वारा कहा गया कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में बारिश को लेकर अपडेट साझा किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 15 अगस्त और 16 अगस्त को लेकर कोई चेतावनी जारी तो नहीं की गई है, लेकिन विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि पटना, गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, नालंदा, बक्सर, मुंगेर, रोहतास, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, सारण में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि यह भी कहा गया है कि इन इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नाम लिखाकर गायब हुए विद्यार्थियों का रद्द होगा नामांकन। इन दिनों बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से के पाठक के द्वारा उन बच्चों को लेकर आदेश जारी किया गया है जो स्कूलों में नाम लिखवाकर गायब रहते हैं। दरअसल के पाठक की ओर से निर्देश देते हुए कहा गया है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चों को उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य है। ऐसे में दाखिले के बाद लगातार गैर हाजिर चल रहे छात्र छात्राओं के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए अब उनके नामांकन को रद्द किए जाने की शुरुआत कर दी गई है। इस संबंध में विद्यार्थियों के अभिभावकों को नोटिस दिया जाना शुरू कर दिया गया है। बिहार के 21 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति के हाथों मिला पुलिस सेवा पदक। बीते दिन अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिहार पुलिस से जुड़े 21 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार पुलिस के 2 पदाधिकारी एसपी सुशील कुमार और सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पदक, 2 पदाधिकारी प्रीता वर्मा डीजी और अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर डीजी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंगाइज्ड सर्विस एवं 17 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया, जिनमें राजेश कुमार, संजय भारती, अंजनी कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार पांडे, वीरेंद्र कुमार मेधावी, बिन्नू रजक, एमडी गुलाम मुस्तफा, एमडी इस्तखार खान, अंगद सिंह यादव हवलदार, राहुल कुमार, इंद्र कमल झा, विजय कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार मिश्रा, राहुल कुमार और शंभू कुमार के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की ओर से वीरता, विशिष्ट सेवा तथा सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ट्रैफिक पुलिस भी दिखेंगे अब एक ही यूनिफॉर्म में। अब बिहार की राजधानी पटना के ट्रैफिक पुलिस भी अन्य महानगरों के ट्रैफिक पुलिस की तरह एक ही यूनिफॉर्म में नजर आने वाले हैं, ताकि लोग दूर से ही देखकर उन्हें पहचान सके कि यह जवान या इंस्पेक्टर ट्रैफिक की ड्यूटी में लगे हुए हैं। मालूम हो कि वर्तमान में केवल ट्रैफिक में तैनात सिपाहियों को ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट के यूनिफॉर्म में देखा जाता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीनों में सिपाहियों के साथ साथ ट्रैफिक में तैनात एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तक के अधिकारी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट के यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। यानी कि राजधानी पटना में वन ट्रैफिक वन यूनिफॉर्म नियम लागू हो जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में बहुत जल्द ही पटना ट्रैफिक प्रशासन के द्वारा इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाने वाला है, जिसके बाद मुख्यालय की ओर से हरी झंडी दिखाने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार में स्कूलों के भवन बनेंगे बाला मॉडल पर। अब बिहार में स्कूलों के भवन का निर्माण बाला यानी कि बिल्डिंग इज लर्निंग एड मॉडल के आधार पर किया जाएगा, जिसके तहत सुव्यवस्थित तरीके से 2 मंजिले भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं स्कूलों के दीवारों पर और अन्य जगहों पर सीखने के लिए रेखाचित्र, चित्र और कलाकृतियों का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस मॉडल के तहत स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी और स्कूल परिसर के विकास के लिए एकीकृत योजना सभी तैयार की जाएगी। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत हर जिले के अधिकतम 10 प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी 30 DEO से प्राथमिकता तय कर सूची की भी मांग की गई है। मालूम हो कि इन स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूरी पड़ताल के बाद ही शुरू किया जाएगा।
सीएम नीतीश ने मरीन ड्राइव और लोहिया पथ चक्र फेज दो का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ फेज दो और लोहिया पथ चक्र 2.0 के ऊंचे हिस्से का उद्घाटन किया गया, जिससे कि अब जेपी गंगा पथ फेज दो का उद्घाटन होने से दीघा से जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव होते हुए गायघाट तक का सफर आसान हो जाएगा और साथ ही लोहिया पथ चक्र 2.0 के ऊंचे हिस्से का उद्घाटन होने से बेली रोड में बिना बाधा के वाहन फराटा भरेंगे। बता दें कि इस दौरान जब सीएम नीतीश से दरभंगा एम्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हर जगह मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा रहे हैं, पहले एम्स पटना में आया और अब दरभंगा में आएगा, यही हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा कि पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और अब गिनती बढ़कर 11 हो गई है, हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ पंत के वीडियो ने एशिया कप से पहले टीम इंडिया को दिया गुड न्यूज। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पूरी लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे और लय में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए ऋषभ पंत के द्वारा कैप्शन में लिखा गया है कि लाइव क्रिकेट मैच को लंबे समय बाद देखने में मजा आ गया। ऐसे में अब इस वीडियो को देखकर फैंस के बीच में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं सबके अलावा इस वीडियो ने एशिया कप से पहले टीम इंडिया को गुड न्यूज देने का काम किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। इंडियन बैंक स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। युगवाणी पत्रिका देहरादून से 1947 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका बनी। यह आरंभ एक पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था जो कालांतर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र बना। भारत को 1947 में आज ही के दिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। रक्षा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र 1947 में स्थापित किया गया। फरीदाबाद 1979 में हरियाणा का 12वां जिला बना। राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का 1982 को दिल्ली में उद्घाटन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में संसद भवन परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अमर खां का जन्म 1912 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार तथा संपादक हंस कुमार तिवारी का जन्म 1918 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि रामदर्स मिश्र का जन्म 1924 को हुआ था। चाचा चौधरी कार्टून चरित्र बनाने वाले प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का जन्म 1938 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर विजय भारद्वाज का जन्म 1975 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ अमर सिंह चौधरी का निधन 15 अगस्त 2004 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महादेव देसाई का निधन 15 अगस्त 1942 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह का निधन 1947 को हुआ था। YouTube में 31 अगस्त से शॉर्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन लिंक पर नहीं कर सकेंगे क्लिक। गूगल के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने कहा है कि यूजर अब आगामी 31 अगस्त से शॉर्ट्स कमेंट्स और शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक नहीं कर सकेंगे। IANS की खबर के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि स्पैम और घोटाले की कोशिश को कम करने या रोकने के लिए ऐसा करने की अनाउंसमेंट की गई है। यूट्यूब ने कहा है कि हालांकि यह बदलाव धीरे धीरे आएगा चूंकि लिंक क्रिएटर्स के लिए जानकारी शेयर करने और अपने कम्युनिटीज को प्रोडक्ट्स ब्रांडों को रिकमेंड करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यूट्यूब ने महत्वपूर्ण लिंक शो करने के लिए नए तरीकों की घोषणा की है। बता दें कि 23 अगस्त 2023 से मोबाइल और डेस्कटॉप पर व्यूअर्स को सब्सक्राइब बटन के पास क्रिएटर्स के चैनल प्रोफाइल पर लिंक दिखाई देने लगेंगे। YouTube ने कहा है कि अगले महीने के आखिर तक यह क्रिएटर्स के लिए दर्शकों को शॉर्ट्स से उनके दूसरे YouTube कंटेंट पर रीडायरेक्ट करने का एक सुरक्षित तरीका पेश करना शुरू कर देगा। वायरल में आज हम बात करेंगे लोन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लोन योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। तथ्यों की सही जांच के बिना अपनी आधार संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी बिहार सरकार, ऑप्शन डी गोवा सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। अगला सवाल, हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहां अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी टोरंटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबू धाबी। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से कहां तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी। अगला सवाल, पूर्व से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 453 किलोमीटर, ऑप्शन बी 460 किलोमीटर, ऑप्शन सी 473 किलोमीटर, ऑप्शन डी 483 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 483 किलोमीटर। अगला सवाल, बिहार में मॉनसून कब तक आता है? ऑप्शन ए 9 से 10 मई, ऑप्शन बी 29 से 30 मई, ऑप्शन सी 13 से 14 जून, ऑप्शन डी 29 से 30 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 से 14 जून। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, सोनू, धनुप्रिया, मंटू कुमार, अतीक खान, उमेश ऋषिदेव, कमलेश शर्मा, राजकिशोर महतो, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अरविंद कुमार, पंकज कुमार दास, अमन कुमार, कुमारी संजना, संजीव सिंह, विनय यादव, मीनाक्षी चौरसिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप स्वतंत्रता दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।